नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम 1 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक जितने भी छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सब का हम यहां एनालिसिस करने वाले हैं। इसके अलावा पिछले वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक्स को एनालिसिस किया था उसके आधार पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, जिसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में करना है इस लेक्चर का। या फिर बाकी लेक्चर्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, या टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कम्युनिटी सर्च करके भी वहां से जुड़ सकते हैं। और रेगुलर करंट अफेयर से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चलिए तो सबसे पहले हम पिछले वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स को एनालिसिस किया था, कुछ उसके आधार पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, उसे आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। पहले अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पिछले वीडियोस में भी। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को किस वर्ष तक उनके घरों में मुफ्त नल कनेक्शन देकर शुद्ध पेयजल प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहे, आंसर जरूर करिएगा। ठीक, अगला, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन विभाग द्वारा वर्ष 2021 के लिए कब से पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर नीचे कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया मुक्त वस्त्र अभियान का चौथा चरण कब से शुरू किया गया। ऑप्शन इस प्रकार से रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कैंपेन है, इंपॉर्टेंट है, स्टेट के लिए भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, न्यूज में है, तो इसलिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आप वैल्यू एडिशन के तौर पर भी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कहीं भी मेंस का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वैल्यू एडिशन के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वन डे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। टॉपिक का नाम है निपुण भारत अभियान, जिसे कि हाल ही में शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से, जिसमें स्टेट को भी शामिल किया गया है, यानी कि बराबर की भागीदारी है दोनों की। निपुण भारत अभियान के तहत आने वाले 5 वर्षों में, यानी कि ये टारगेट याद रखिए 2026-27 तक, कक्षा तीसरी के प्रत्येक बच्चों को आधारभूत शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। आधारभूत शिक्षा प्रदान करने का मतलब यह है कि जो बेसिक शिक्षा होता है उसे प्रॉपर गिनती आए, प्रॉपर वो पढ़ लिख सके, ये आधारभूत शिक्षा कक्षा तीसरी तक के छात्रों को प्रदान किया जा सके, इसीलिए भारत सरकार की तरफ से निपुण भारत अभियान की शुरुआत की गई है। कब से की गई है, तो ये शुरू किया गया है आपका 5 जुलाई को, और छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत 5 जुलाई को ही किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्र सरकार शिक्षा विभाग एवं साक्षरता विभाग द्वारा जो है इस अभियान को शुरू किया गया है, याद रखिएगा। और इस अभियान का जो इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स हैं, जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, वो भी देख लीजिए। खेलकूद गतिविधियों पर आधारित शिक्षा शास्त्र बनाना, स्वतंत्र समझ के साथ बच्चों को पढ़ने लिखने में प्रेरित करना, और लिखने पढ़ने की स्थायी कौशल जो है उसे उत्पादित करना बच्चों के अंदर में, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो याद रखिएगा निपुण भारत अभियान के बारे में। अगला टॉपिक है वजन त्योहार, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, तो इसीलिए इसके जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ उसे बहुत अच्छे से करके जाइएगा, या फिर कहीं पर नोट कर लीजिएगा, आपको काम आएगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वजन त्योहार 2021 वन डे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, तो ये पूछ सकता है कि वजन त्योहार कौन से विभाग या फिर कौन सा मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग है या फिर मंत्रालय है। 2021 में कब से शुरू किया गया, कब तक चलेगा, तो ये आपका चलेगा 7 से 16 जुलाई तक। आंगनबाड़ी में मनाए जाने वाले प्रदेश व्यापी वजन त्यौहार है, यानी कि जितने भी प्रदेश में आंगनबाड़ी है वहां पर यह वजन त्यौहार मनाया जाएगा। तो वजन त्यौहार किस प्रकार से मनाया जाता है, तो 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन किया जाता है। वजन करने का मतलब है कि देखा जाता है वजन करने के बाद कि उनमें कुपोषण की समस्या तो नहीं है, या फिर उन्हें किन किन पौष्टिक आहारों की जरूरत है, उसके आधार पर आगे तय किया जाता है कि प्रदेश में इतने बच्चे जो हैं सुपोषण की कमी से जूझ रहे हैं या कुपोषण से ग्रसित हैं, उन बच्चों को फिर जो है प्रॉपर सुपोषित करने के जो उपाय हैं वो सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है वजन त्योहार मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपके लिए
मेंस एग्जामिनेशन के लिए खासकर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो मैं आपको अवेलेबल कराने वाला हूं उसे रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए या फिर बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण और एनीमिया जैसे प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए 2 अक्टूबर 2019 से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुपोषण अभियान चलाया गया था। इस बात को याद रखिएगा, सुपोषण अभियान इसलिए चलाया गया था ताकि प्रदेश में कुपोषण की समस्या को खत्म किया जा सके और एनीमिया की समस्या को खत्म किया जा सके। अब यहां पर 2018 में एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट का नाम था नेशनल फैमिली सर्वे, यानी कि राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4, ये आया था आपका 2018 में। इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की जो समस्या है वो है 37.7%, यानी कि जितने भी छत्तीसगढ़ में बच्चे हैं 2018 के इस रिपोर्ट के अनुसार 37.7% बच्चे जो है वो कुपोषण से ग्रसित है। वही अगर हम एनीमिया की बात करें, यानी कि 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के उम्र में जो एनीमिया की समस्या है ऐसी महिलाओं की संख्या है इस रिपोर्ट के अनुसार 47%, ये 2018 का नेशनल फैमिली सर्वे का रिपोर्ट है, तो ये भी डेटा याद रखिएगा। इसके बाद 2018 में ही वजन त्यौहार आयोजित किया गया और इस वजन त्यौहार में ये पाया गया कि पूरे प्रदेश में 4,92,000 बच्चे जो है वो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है। ये 2018 का वजन त्यौहार बताता है, जिसमें अगर ये परसेंटेज देखोगे, ये तो नेशनल फैमिली सर्वे का हो गया और वजन त्यौहार का अगर परसेंटेज मैं आपको बताऊं तो ये कहता है कि 26.2% बच्चे जो हैं वो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं 2018 तक। और 2019 में सुपोषण अभियान शुरू करने के बाद वजन त्यौहार जब कराया गया तो उसमें यह गिरकर आपका आ गया 2019 में यह आपका आ गया 23.37%, 2019 में गिरकर माल न्यूट्रिशन का यह परसेंटेज है। तो वजन त्यौहार का परसेंटेज अलग है और जैसे मैंने बताया नेशनल फैमिली सर्वे 4 का रिपोर्ट अलग है। अब यहां पर आप देखोगे अभी 2020 में शुरू में जैसे बताया गया कि कुपोषित बच्चे 13% की कमी है, ये 2020 का छत्तीसगढ़ सरकार का रिपोर्ट था। और इसके अलावा मार्च 2020 तक 67,889 बच्चे जो है वो कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। तो इस तरह से भी कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा है वैल्यू एडिशन के लिए बहुत काम आएगा, ये आप याद रखिएगा। सुपोषण अभियान को वहां पर मेंशन कीजिएगा, सुपोषण अभियान से जिस प्रकार से सरकार को फायदा पहुंचा है, माल न्यूट्रिशन को कम करने फायदा पहुंचा है, तो उस हिसाब से आप इन डेटा को जो है वैल्यू एडिशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अगला जो हमारा टॉपिक है, सिरपुर को हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने के लिए बुद्धिस्ट थीम के आधार पर वहां पर विकास करने की एक योजना बनाई गई है। योजना अभी छत्तीसगढ़ सरकार का ही है, हालांकि यहां पर आपको बुद्धिस्ट थीम दिखा होगा तो आपको लगा होगा कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसे डेवलप किया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है। हो सकता है आगे चलकर सिरपुर को स्वदेश दर्शन योजना में बुद्धिस्ट सर्किट के तहत शामिल किया जाए, लेकिन अभी ये पूरी तरह से जो है स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और स्टेट गवर्नमेंट का प्लान है। ठीक है, तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का एक ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व के लिए जाना जाता है आपका सिरपुर, इसे हेरिटेज स्थल के रूप में बुद्धिस्ट थीम, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, बुद्धिस्ट थीम पर इसे डेवलप करने की जो है प्लान तैयार किया गया है और इसका विकास 3 चरणों में किया जाएगा। टोटल जो बजट खर्च होने वाला है अभी प्रेजेंट टाइम पर जो यहाँ पर अमाउंट दिया गया है 62,96,00,000 रुपए। तो बस बुद्धिस्ट थीम के आधार पर सिरपुर को अंतरराष्ट्रीय महत्व दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा इसे एक प्लान तैयार किया गया ताकि इसे विकसित किया जा सके। सिरपुर के बारे में भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट सिरपुर के बारे में पूछा गया है। तो सिरपुर कौन से जिले में स्थित है, आपको पता है महासमुंद जिले में स्थित है, यह महानदी के तट पर बसा हुआ है और इस स्थान का जो प्राचीन नाम था वो सिरपुर था और यह एक विशाल नगर हुआ करता था तथा यह दक्षिण कुशल की राजधानी भी हुआ करता था। अपने छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, फिर भी याद रखिएगा, सोमवंशी नरेशों ने यहाँ पर राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया था, खासकर सिरपुर जो है लक्ष्मण मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इतने कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला टॉपिक, अगर आप CGPSC क्रैक कर गए और अगर आपको DSP का पोस्ट मिलता है तो आप ट्रेनिंग के लिए कहां जाते हो, तो रायपुर में स्थित है चंदखुरी और इस चंदखुरी में स्थित है राज्य पुलिस एकेडमी, तो यहां पर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो। बहुत सारे लोग गए भी होंगे, उनको पता भी होगा।
तो यह जो ट्रेनिंग एकेडमी है, पुलिस एकेडमी है, इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले था राज्य पुलिस एकेडमी चंदखुरी, इसका नाम था, और अब जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस एकेडमी चंदखुरी कर दिया गया है, यानी कि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे जाना जाएगा। वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और इसका अनाउंसमेंट कब किया गया था, तो इसका अनाउंसमेंट किया गया था नेताजी के 150वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी 2021 को। और अब फाइनली यह जो पुलिस एकेडमी है इसका नाम बदलकर रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस एकेडमी चंदखुरी। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए, एक बुक है जो कि संस्कृति विभाग की तरफ से इसे लॉन्च किया गया है। बुक का नाम है आनी बानी के छत्तीसगढ़। ठीक, संस्कृति विभाग द्वारा इस बुक को प्रकाशित किया गया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है वनडे एग्जाम में, यहां से पूछ सकता है कौन से विभाग के द्वारा यह बुक जारी किया गया, या फिर बुक का डायरेक्ट नाम पूछ सकता है। लेखक कौन है इस पुस्तक के, तो वरिष्ठ साहित्यकार है, नाम है अरविंद मिश्र, जो कि छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में इस किताब को इन्होंने लिखा है, और इस पुस्तक के संपादन जो है वो श्रीराम पटवा ने किया है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। और यह पुस्तक छत्तीसगढ़ के रहन सहन, जीवन शैली, रोजगार और खान पान पर आधारित है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ दिया जाए। ठीक, चलिए इसके बाद आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक, वो है कैप्टन कूल मोबाइल एप्लीकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की तरफ से एक एप्लीकेशन जारी किया गया है, और इस एप्लीकेशन को तैयार किसने किया है, तो नेचर बॉडी इको क्लब नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के स्टूडेंट्स ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को तैयार किया है। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, कैप्टन कूल, जिसे जारी किसने किया है, तो मोहम्मद अकबर, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री है, उन्हीं तरफ से जारी किया गया है। एप्लीकेशन का काम क्या होगा, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से छात्र छात्राएं, यानी कि जो भी लोग हैं, या फिर आम जन हो, हम और आप, या फिर स्टूडेंट्स, कोई भी, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को किस प्रकार से कम करें, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उत्सर्जन करते हैं, उनके बारे में जानकारी दिया जाएगा, ताकि लोग कम से कम कार्बन वाली चीजों का इस्तेमाल कर सके, ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रह सके। इसी उद्देश्य के साथ में और इसी शैली के साथ में इस मोबाइल एप्लीकेशन को तैयार किया गया है। क्लियर है, याद रखिएगा कैप्टन कूल मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, तो ये 8 से 9 दिनों में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा, टॉपिक ही है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। रायपुर से कई बार सांसद रह चुके रमेश बैस, पिछले टर्म्स में भी सांसद थे, 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उन्हें 2019 के बाद से त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, और अब उन्हें जो है त्रिपुरा के राज्यपाल से झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए याद रखिएगा कि त्रिपुरा के राज्यपाल थे, अब वो झारखंड के राज्यपाल हैं। क्लियर है। इसके अलावा एक बात और, आरंग में अभी लगातार खुदाई चल रहा है, वहां बहुत सारे पुरातात्विक जो है बार बार मूर्तियां मिलती रहती हैं, जो न्यूज में भी आते रहता है। इससे पहले वाले टॉपिक में भी मैंने कुछ बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आरंग में जो खुदाई हो रहा है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा आता है, या फिर बहुत खास वहां पर कोई ऐसा पुरातत्व पाया जाता है, या ऐतिहासिक जो धरोहर वहां से कुछ मिलता है, तो उसके बारे में मैं जरूर अपडेट करा दूंगा। इस वीडियो में नहीं करा रहा हूं, एक दो है, उसे मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। PDF आप लोग टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।